Good morning, friends. Kkunal Parar here from Research Department, Choice Security Broking Private Limited. Global market का trend अभी mix है and SGX Nifty अभी 12,348 के level पर trade कर रही है with a loss of 23 points only, जो India market में flat opening के संकेत दे रही है. Nifty की बात कर रहे तो कल एक अच्छी opening के बाद हमें शुरुआती gains में liquidation नजर आता हुआ दिखा, but intraday 12,315 के लो बनाने के बाद वापस रिकवरी हमें निफ्टी में दिखी एंड फाइनली 12,354 के क्लोजिंग निफ्टी में हमें नज़र आए. निफ्टी के लेवल की बात करें तो डाउनसाइड पे इस लेवल पे 12,280 टू 12,250 के सपोर्ट दिख रहे हैं, जबकि ऊपरी लेवल पे 12,400 टू 12,430 के लेवल हमें एज अ रेजिस्टेंस मिल सकते हैं. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखी बिटवीन द रेंज ऑफ इट्स प्रीवियस डेज हाई एंड लो एंड फाइनली हमें 31,853 का क्लोजिंग दिखा. सो इस लेवल पे सपोर्ट हमें 31,650 का दिख सकता है एंड रेजिस्टेंस हमें 32,000 टू 32,100 का मिल सकता है. स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल हमें कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल एंड MGL में अच्छा खासा वॉइस पर देखने को मिला, जिसके बेस पे आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें इन स्टॉक में देखने को मिल सकती है. एंड मदन सन सुमी में इस लेवल पे काफ़ी अच्छी मूव लग रही है. सो कोई भी डीप आता है अप टू द लेवल ऑफ 140 तो बाय करने की ही रणनीति रखनी चाहिए विद द एजल ऑफ 135.50 फॉर द टारगेट ऑफ 150 टू 156. धन्यवाद.